हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना व्याकरण, संस्कृत व्याकरण चालू कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम निबंध पढ़ेंगे और निबंधों में सर्वप्रथम पर्यावरण, इस निबंध के बारे में हम जानेंगे। अद्यत्वे ही विज्ञानमय युग वर्तते, आज का युग विज्ञान का युग है। जने सो विद्यार्थम नानोपकरणे प्रयुज्यन्ते, लोग अपनी सुविधा के लिए कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तेषाम उत्पादनम कार्यशालासु यन्त्रे क्रियते, उनके उत्पादन के लिए कार्यशालाओं में मशीनें बनाई जाती है। यातायात व्यवस्थाया कृते विविधानि यानानि प्रयुज्यन्ते, यातायात की व्यवस्था के लिए कई प्रकार के वाहन प्रयोग किए जाते हैं। यद्यपि एते अस्माकं जीवनम सुखमय भवति, हालांकि इससे हमारा जीवन सुखमय होता है, परंतु ए भी प्रसारिता धुमा वायुमंडलम अत्यंत दूषयति, लेकिन इसके द्वारा फैलने वाले धुएं के कारण वायुमंडल दूषित होता है। एवमेव वनानां विनाशेन ऋतुचक्र प्रभावित भवति, और इस प्रकार वनों के विनाश से भी ऋतुचक्र प्रभावित होता है। वायुमंडल से दुष्प्रभावितात् अस्माकं शरीरमपि श्वासादि रोगे रुग्णं भवति, और वायुमंडल के दुष्प्रभाव के कारण हमारा शरीर भी श्वास आदि रोगों से रोगी हो जाता है। महानगराणां मलिन जलम नाना प्रवाहिका माध्यमेन नदी प्रवेशति, महानगरों का गंदा जल कई प्रकार के बहाव के कारण नदी में प्रवेश करता है। अस्मात् कारणानां नदीनां स्वच्छम अपि जलम मलिनम अपेयम च भवति, और इस कारण से नदी का स्वच्छ जल भी गंदा और पीने योग्य नहीं रहता। साम्प्रतम पाश्चात्य देशेषु पर्यावरण प्रति जागरूकता समुत्पन्ना, आजकल पाश्चात्य देशों में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो गई है। तत्प्रेरिता, उससे प्रेरित होकर भारतीय भी पर्यावरण प्रदूषण से संकटम अवगत्य, पर्यावरण प्रदूषण के संकट को जानकर साम्प्रतम आजकल गंगा यमुना आदि नदीनां कृते शुद्धिकरण कार्यक्रम प्रचलन्ते, गंगा यमुना नदियों के शुद्धिकरण कार्यक्रम चला रहे हैं। अस्माभिः अपि, हमारे लिए भी आवश्यक है, यह आवश्यक है पर्यावरण रक्षा कार्यक्रम में, पर्यावरण रक्षा के कार्यक्रम में वृक्षारोपण माध्यम में वृक्षों को लगाकर तथा स्वच्छता नियम आदि पालने च योगदान विधेयम, स्वच्छता आदि के नियमों का पालन करके योगदान करना चाहिए।